शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ अजय जी, बात करें यहां से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी आपने तेजी ही बताई थी कि सोयाबीन में तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल्स में देख रहे हैं कि जोपा ने कुछ उत्पादन अनुमान में कटौती तो की है, लेकिन विदेशों में जो ड्राउट सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं ब्राजील और अर्जेंटीना में, उसका ज्यादा असर सोयाबीन पर देखने को मिला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो यूएस सोयाबीन वायदा उछला है इसकी वजह से, तो क्या आगे कीमतों को और भी सपोर्ट मिलता रहेगा, और क्या बाकी कम्युनिटीज की तरह ही सोयाबीन भी अच्छी तेजी की ओर जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो फंडामेंटल काफी मजबूत है, जीवन से अराइवल आना चाहिए था नवंबर दिसंबर में जी, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते हमने एक अच्छी खासी रैली भी देखी। नो डाउट थोड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के टैक्स लेकर, जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। बट इंटरनेशनल में आप देख सकते हैं, एक तरफ तो हम लोग ड्रॉट कंडीशन या अराइवल प्रोडक्शन में लॉसेस देख रहे, जिसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है, चाइना कंटिन्यू बाय कर रहा है, पर सबसे बड़ा काम है वो है क्रूड ऑयल का, बिकॉज क्रूड में जो तेजी बनी हुई है जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते, उसका सीधा सीधा सपोर्ट पाम ऑयल को मिल रहा है, और पाम ऑयल का सपोर्ट सोया ऑयल को मिल रहा है, और सोया ऑयल की तेजी की वजह से हम देख रहे हैं कि सोया मस्टर्ड सभी ऑयल चीज में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सोयाबीन में डोमेस्टिक मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कंसर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि नया क्रॉप मस्टर्ड का सामने है, जिसकी वजह से कोई बड़ा लीक नहीं ले पा रहा है। बट फिलहाल मुझे लगता है प्राइस वापस करीबन समझो 7,500-8,000 तक के लेवल जो है वो जल्द वापस दिखा सकता है, तो थोड़ा संभल के रहिए, लोअर लेवल पे वॉल्यूम वापस लौटते हुए दिखा दीजिए जी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।